खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोरीवली में है, बॉम्बे का एक बहुत बेहतरीन एरिया है बोरीवली, बहुत मशहूर एरिया है, और जो ऑडियंस यहाँ की आई है वो बहुत संगीत प्रेमी लगते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं गानों को और एक साथ साथ गा रहे हैं। चल के आज आईपीएल भी था, लगा था कहीं ऑडियंस आएगी नहीं आएगी, क्या होता था? मुझे तो ऐसे लगा था आईपीएल शायद ऑडियंस कोई आए ना, पता नहीं कोई होगा कि नहीं होगा ऑडियंस में, लेकिन अच्छा लगा देखकर कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आईपीएल से ज़्यादा मेरे गाने सुनना पसंद किया है, तो सबका बहुत धन्यवाद। मदर्स डे आज क्या मदर्स डे के लिए सबको, मदर्स डे साल का सबसे बड़ा दिन होता है मेरे हिसाब से, और ये इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर ईच एंड एवरी वन, माँ के लिए हर कोई बहुत भावुक होता है, मदर्स डे पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सबकी माएँ सलामत रहें, खुश रहें, और कभी
प्यार बना रहे हैं। अलका याग्निक मतलब हमारा जो गो सेल्फ क्लब है उसका कंसेप्ट ऐसा है कि हमको एक सिंसियर एंटरटेनर चाहिए, उसके लिए हमने सारे सिंगर्स ऐसे ही चुने हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमारा नेक्स्ट सिटी टूर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जो काफ़ी टाइम के बाद वो स्टेज पे अफेयर्स कर रहे हैं, मतलब ओपन एयर में शो करने जा रहे हैं, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट। तो इसके पीछे हमने पब्लिक को ध्यान में ज़्यादा रखा है और उनके चॉइस के हिसाब से हमने सिंगर्स नाइट ऑर्गेनाइज किया है और अक्रॉस वर्ल्ड में हम कर रहे हैं ऐसे इवेंट्स। वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन मदर डे को टारगेट रख के, फीमेल को टारगेट रख के हमने अलका जी को ये सो अलका जी का शो ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है हमारा। सुलझा हुआ जवाब दूंगा इसके लिए। देखो आईपीएल के जो जो आईपीएल को चॉइस करने वाले हैं वो क्राउड अलग है, और जो अलका जी को चॉइस करने वाले वो क्राउड अलग है, और एंटरटेनर हमेशा उसके सामने चाहे कुछ भी रख लो, लेकिन एक आर्टिस्ट है तो फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हो कि अभी क्राउड में कोई कमी नहीं है, आज फुल चकाचक आईपीएल होने के बाद लोग प्यार मोहब्बत से अलका जी को शांति से सुन रहे हैं। गो सेलब अलग अलग 5 वर्टिकल में बटा हुआ है। फर्स्ट वर्टिकल हमने GoSelab.com करके लॉन्च किया सूरत में, जिसमें 3,000 से ज़्यादा सेलिब्रिटी के ऑनलाइन मैनेजर हैं हम। फिर अभी हमने लॉन्च किया GoSelab.com, जिसमें आज बॉम्बे में 300 से ज़्यादा मेंबर्स शॉर्ट पीरियड में बने, और अक्रॉस इंडिया में अभी 500 से ज़्यादा हो गए 2 महीने में मेंबर्स। तो अच्छी बात है, एक कंपनी की स्टार्टअप के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी हम GoSelab ऑक्शन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सब सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें आपको मिलेगी, आपके फेवरेट स्टार की चीज़ें आपके अभी हाथों में रहेगी। प्राइस नहीं है, हम मेंबरशिप में जैसे देते हैं 4999 में हम कपल मेंबरशिप दे सकते हैं, और उसके साथ 6 पेटीएम की मूवी भी देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या कॉस्टिंग है उसमें। हम अच्छे लोग को एक टारगेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई मकसद नहीं है दूसरा प्राइस वगैरह का। कौन सा गाना मिस करें हम ऐसा है, तो अलका जी का पर्टिकुलर कोई एक गाने पे तो मैं बात नहीं करूँगा। मैं फेवरेट हूँ, अलका जी के साथ ये पहली बार नहीं, मैंने काफ़ी उनके साथ काम किया है। वैसे तो काफ़ी सिंगर के साथ मैं काम करता रहा हूँ, 22 साल हो गए इंडस्ट्रीज़ में, और ब्रांड के साथ GoSelab ब्रांड के साथ अभी लास्ट ईयर हम आए हैं, एक अभी 8-9 महीने में हमने अच्छा अचीवमेंट किया है। मैं अपने माँ बाप को कभी भी भूलता नहीं हूँ, जो भी अच्छा बुरा जो भी काम है उनको पहले याद करता हूँ। तो मैं पब्लिक को भी अपील करूँगा, माँ माँ होती है और बाप बाप होता है, तो उनको उनकी कदर करो, उनको अच्छे से रखिए, उनको आप अपना बचपन याद करिए कि आपके माँ बाप ने आपके बचपन में क्या किया है। तो आप उनका जो एज होम है तब आप उनको उसी तरह से केयर करिए जैसे आपको बचपन में आपको केयर किया है। नमस्कार, और मेरे को बहुत खुशी है कि चिराग भाई मेरे दोस्त हैं और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, और बोरेली में मैं रहता हूँ और बोरेली में इतना बड़ा शो हो रहा है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। और हिमांशु भाई मेरे दोस्त हैं, उनका पीआर है, तो मेरे लिए द्वापर, GoSelab और सबके लिए कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और एकता जी भी यहाँ है, और एकता जी का भी आई थिंक बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ रहेगा। एक्चुअली तो मुझे जितने भी सॉन्ग है ना, जितने चुने वो मुझे म्यूजिक के ट्यून पे 2 सेकंड में पसंद है। ओल्ड सॉन्ग लता रफ़ी मुकेश जी आशा भोसले सब गाने में ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा सुनता हूँ, और क्योंकि वो गाने लाइफ टाइम याद रहते हैं। मैं नितिश भारती सैंड आर्टिस्ट, और मैं अलका याग्निक का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं अलका याग्निक को लाइव सुन रहा हूँ, तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हम यही शो, मतलब हम अलका जी के साथ नहीं, बट हम प्यारेलाल जी के साथ आ रहे हैं वडोदरा में, मैं खुद परफॉर्म करने वाला हूँ सैंड आर्ट। तो मिलते हैं गुजरात में और धूम मचाते हैं साथ GoSelab के साथ। थैंक यू सो मच। अलका जी गाना कौन सा पसंद है आपको? अलका जी ने जो शुरुआत की रंग के साथ, लाल दुपट्टा उड़ गया है मेरे हवा के जोके से, वो मेरा सबसे बेहतरीन फेवरेट सॉन्ग रहा, और उन्हें बेहतरीन परफॉर्म भी किया, बहुत मजा आया। मैं अशोक मिश्रा हूँ, आप सभी जानते हैं, और आज अलका याग्निक लाइव इन कॉन्सर्ट बोरीवली में कोरा केंद्र में है। और राजीव ठाकुर साहब देश के जाने माने कॉमेडियन है, किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि राजीव जी प्लीज आइए शो में, बड़ा अच्छा लगेगा। और अलका जी के फैन है, तो इनसे रिक्वेस्ट किया और ये मान भी गए। भाजी तुम कुछ दसो। मैं खुश हूँ जी, GoSelab ने जो जो बताया अभी उनके मुझे अच्छा लगा, इसमें मतलब दोनों का फायदा, ये आर्टिस्ट को भी उतना ही फायदा है जितना ऑडियंस को फायदा है। और जो लाइव शो के लिए आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच की गलतफहमी है वो शायद ये GoSelab दूर कर सकती है। जैसा वो सर बता रहे थे चिराग सर जी, कि लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट तक पहुंचना मुश्किल है, और उनका बजट, उनके शो के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिस्ट चाहिए, क्या चाहिए,
तो ये एक बड़ा आसान सा रास्ता बना दिया जिसमें से शायद मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस हैं जो आर्टिस्टों से प्यार करते हैं और उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं या उनके साथ कहीं जी जो शो वगैरह करना चाहते हैं तो उनको आसानी होगी। सो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और अलका जी का मैं कुमार शानू जी का उदित नारायण का बिकॉज वी आर 90s के बच्चे 90s लवर और बहुत बड़े फैन हैं इन सब के, तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला यहाँ आके। थैंक यू अशोक जी बुलाने के लिए। अरे बुलाने के लिए क्या, मैंने अपना अपनी शान बढ़ाने के लिए बुलाया है।